साक्षी देवी पार्वती को विनायक व्रत का परामर्श देते हैं। महोत्कट की बात मानकर कैलाश जाते शुक्राचार्य लौट पड़ते हैं। वैद्य धनीराम की औषधि भी रेवा के जीवन को बचा नहीं पाती। शिवाज्ञा से कश्यप अदिति श्री महागणेश आराधना का संकल्प करते हैं। सनक ऋषि दयासुर को प्रेरित करते हैं। रेवा की मृत्यु पर दुख प्रकट करते हुए गांव के मुखिया सोमनाथ से कहते हैं, बेटा सोमनाथ, दुख तो बांटने से ही बढ़ता है। मुखिया काका, मुझ पर जो संकट आया है वो बांटने से नहीं बढ़ता है। मुझे मेरी चिंता नहीं है काका, मुझे चिंता है मंदा की। क्या होगा उसका? मंदा की चिंता ही मुझे तुम्हारे घर पर खींच लाई। कहना तो पहले ही चाहता था लेकिन अवसर ही नहीं मिला। बेटा सोमनाथ, भगवान की कृपा पर विश्वास रखो। क्या विश्वास रखूं मुखिया काका, मेरी तो बगिया ही उजड़ गई। बेटा सोमनाथ, इस बगिया को अब तुम्हें ही संवारना है। उस बच्ची की ओर देखो जिसे केवल तुम्हारा ही सहारा है। नहीं बेटा, रो मत। बेटा, किसी बच्चे का जीवन मां के बिना सूना हो जाता है, वो बच्चा अनाथ हो जाता है और कोई भी बाप मां के प्यार को पूरा नहीं कर सकता। मैं जानता हूं मुखिया काका, इसीलिए तो मैं इतना अधिक चिंतित हूं। मुखिया काका, मुझसे मंदा का दुख नहीं देखा जाता। मैं क्या करूं मुखिया काका, मैं क्या करूं? बेटा, मंदा के दुख का अंत करने के लिए ही आज मैं तुम्हारे घर पर आया हूं। मुखिया काका, मंदा को खुश करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने आप को बेचकर भी मंदा के लिए खुशियां खरीदना चाहता हूं मुखिया काका। बेटा, स्थिति और हालात को देखते हुए मंदा की खुशियों के लिए तुम दूसरा विवाह कर लो। आप क्या कह रहे हैं मुखिया काका, मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे लिए तो रेवा ही सब कुछ थी। आप मंदा की चिंता ना करें मुखिया काका, कुछ भी हो जाए मैं मंदा के लिए बाप और माँ दोनों का कर्तव्य निभाऊंगा। भावनाओं में बहकर तुम मंदा की खुशियों को बलिदान नहीं कर सकते सोमनाथ। मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा बुजुर्ग हूँ, हितैषी हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। लेकिन मुखिया काका, बेटा सोमनाथ, तुम्हारे जैसे सुशील और सज्जन पुरुष के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। यदि तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी धन्नो का हाथ सौंपने के लिए तैयार हूँ। ये कैसी बात कर रहे हो मुखिया काका? अभी विवाह की चिता शांत भी नहीं हुई है और मैं दूसरे विवाह की बात सोचूं? नहीं नहीं मुखिया काका, मुझसे नहीं होगा ये, मुझे क्षमा करना, मुझसे ये अनर्थ नहीं होगा मुखिया काका। बेटा सोमनाथ, शांत मन से विचार करो। भगवान के लिए, मंदा की भलाई के लिए तुम विचार करो। अच्छा अच्छा बेटा, चलो।
मंदा बेटी। तुम आ गई माँ। हाँ बेटी, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं गया। मैंने भगवान जी से प्रार्थना की, उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। अब तुम कहीं नहीं जाना माँ, तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं बेटी, मुझे लौट कर जाना होगा। तुम्हें एक बात याद दिलाने आई हूँ। कौन सी बात माँ? बेटी, श्री गणेश जी की मूर्ति अवश्य बनाना, उनकी पूजा करना, प्रसाद चढ़ाकर ही भोजन करना, तुम्हें याद है ना? हाँ माँ, मुझे याद है, पर तुम लौट आओ माँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती, लौट आओ ना माँ। अपने आप को संभालो मंदा, श्री गणेश जी की कृपा पर विश्वास रखो। मैं अब लौट कर नहीं आ सकती। लेकिन क्यों माँ? मैं इस दुनिया से बहुत दूर चली गई हूँ बेटी, वहाँ जहाँ से कोई लौट कर नहीं आ सकता। तुम्हारी ममता मुझे यहाँ खींच लाई है। मेरी बात मानना बेटी, गणेश महाराज की कृपा तुम पर अवश्य होगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी माँ, यदि तुम यहाँ नहीं लौट सकती तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। मंदा, ऐसा नहीं कहते बेटी, मैं जानती हूँ तुम माँ के बिना नहीं रह पाओगी। अपने बापू से कहना कि वो मुखिया जी की बेटी धन्नो को तुम्हारी दूसरी माँ बना कर ले आए। धन्नो तुम्हें मेरी कमी का आभास नहीं होने देगी, मेरे समान प्यार करेगी, कहोगी ना बेटी? हाँ माँ, मैं बापू से कहूंगी। तेरे बापू तेरी बात जरूर मानेंगे। अब मैं जा रही हूँ मंदा, वो गणेश जी की पूजा वाली बात नहीं भूलना। मैं जा रही हूँ बेटी, मैं जा रही हूँ। बापू, आंखें खोलो बापू, मेरी बात सुनो बापू। क्या हुआ बेटी? अभी माँ आई थी बापू, कह रही थी कि तेरी माँ मेरे सपने में भी आई थी बेटी। आपसे क्या कहा था माँ ने बापू? उससे तेरा दुख देखा नहीं जा रहा। उसने मुझसे कहा मैं तेरे लिए एक नई माँ ले आऊं। उन्होंने मुझसे भी तो यही कहा। नहीं बेटा नहीं, मैं तेरी माँ की ये बात नहीं मानूंगा। सौतेली माँ लाके मैं तेरे बचपन के साथ समझौता नहीं कर सकता हूँ। कुछ भी हो जाए मैं दूसरा ब्याह नहीं करूंगा। नहीं बापू नहीं, आपको माँ की बात माननी ही पड़ेगी। माँ ने कहा है कि नई माँ उनसे भी ज्यादा प्यार करेगी। मंदा बेटी, जिद ना करो, सौतेली माँ सौतेली ही होती है। मैं हूं ना तुझे माँ और बाप दोनों का प्यार देने के लिए। नहीं बापू, आपको मेरे लिए नहीं, अपनी देखभाल के लिए दूसरी माँ लानी ही होगी। नहीं मंदा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। नहीं बापू, आपको मेरी कसम, आप दूसरी माँ ले आओगे ना? आप बोलो ना बापू, मेरी बात मान लो बापू, मानोगे ना बापू? बोलो बापू, मानोगे ना? अच्छी हो, मेरी माँ ने कहा था कि तुम मुझे उससे भी अधिक प्यार करोगी। व्यवहार से दुखी मंदा सुख की खोज में घर से बाहर निकल पड़ी।
उधर श्री गणेश को अब तक न पाकर दुखी माता पार्वती ने भी भोलेनाथ के साथ पुत्र सुख पाने के लिए विनायक चतुर्थी के दिन से प्रारंभ विनायक व्रत संकल्प के निर्धारित 4 माह की अवधि निष्ठा से पूरी की। संकल्प पूर्ति अनुष्ठान के लिए बाल ऋषि सनक शिव शंकर के सामने प्रकट हुए। ओम नमः शिवाय। श्री हरि विष्णु के अवतार बाल ऋषि सनक, कैलाश पे आपका स्वागत है। देवाधिदेव महादेव, आपका और माता पार्वती का विनायक व्रत संपन्न हुआ। हमें ध्यान समाधि में रहते हुए विनायक व्रत के संपन्न होने का संकेत मिल गया था। हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि विलंब हुआ हो तो आप उचित समय पर पधारे। हमारे साथ देवी पार्वती ने विनायक व्रत का संकल्प और उपवास रख कर पूर्ण निष्ठा के साथ इस पावन व्रत का पालन किया है। आपकी कृपा से मुझे इस बात का ज्ञान है महादेव। अब यदि आज्ञा हो तो विनायक व्रत का अनुष्ठान और उद्यापन भी संपन्न कर लिया जाए। हम पुरोहित बनकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हम सभी यज्ञानुष्ठान के लिए प्रस्तुत हैं बाल ऋषि। अब आप शीघ्र ही विनायक व्रत के अनुष्ठान का आयोजन करें। नंदीश्वर। आज्ञा स्वामी। देवी पार्वती को सूचित करें कि श्री हरि विष्णु के अवतार बाल ऋषि कैलाश में पधार चुके हैं। जैसी आज्ञा भोलेनाथ। रिंगी। आज्ञा स्वामी। तुम बाल ऋषि सनक के मार्गदर्शन से व्रत अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करें। जैसी आपकी आज्ञा। आप धन्य हैं महादेव। बात आज्ञा की नहीं है धन्य, बात है प्रेम और व्यवहार की। तुम्हें मंदा के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। कितना आग्रह किया था उसने मुझसे दूसरा ब्याह करने के लिए। यदि मंदा नहीं कहती तो तुम उससे ब्याह नहीं करते। मतलब मेरा ब्याह तुम्हारी बेटी की इच्छा से हुआ है, यही ना? ये तुम कैसी बात कर रही हो धन्य? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? देखिए जी, पिताजी की बातें तो मैं पिता के घर पर ही छोड़ाई हूँ। धन्नो, ये अच्छी बात नहीं है। बुरी भी तो नहीं है। देखिए जी, मेरा भी जीवन है, भविष्य है मेरा, कल को मेरे भी बच्चे होंगे। मैं कब तक तुम्हारी बेटी को पालती रहूंगी? धन्नो, देखिए जी, आप मेरा अपमान न करें। एक तो वैसे ही घर में घुसते ही आपकी बेटी के कारण मुझे अपमानित होना पड़ा। अब आप ही मुझे बताइए कि एक लड़की की अपने ब्याह को लेकर कोई कल्पना नहीं होती? क्या उसके पति को उससे प्रेम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। पर लड़की को भी तो अपने पति के घर को अपना घर समझना चाहिए। मंदा के प्रति तुम्हारे व्यवहार ने मुझे बहुत दुखी किया था। मंदा, मंदा, मंदा। यदि मुझे पहले से ही मालूम होता ना कि मुझे आपसे नहीं मंदा की मजबूरियों से ब्याह करना है तो मैं ये ब्याह कभी स्वीकार नहीं करती, कभी नहीं। देखो, हालात को समझो। मंदा अभी आबोध है, रेवा की मृत्यु ने उसे दुख के सागर में धकेल दिया। तुम्हारा प्रेम पाकर उसका बचपन समर जाएगा। ठीक है जी, यदि वो मेरी बात मानेगी तो मुझे उसे प्यार करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु अपने प्यार के मूल्य पर मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं है। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव भक्ति के मूल्य पर बहुत कट का परामर्श स्वीकार करके मैंने भयानक भूल की है। अतिथि पुत्र महोत्कट ने मेरे साथ घोर षड्यंत्र किया है। वीर दैत्य जाति को बार बार पराजित करने वाले श्री गणेश, तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शुक्र नीति कभी क्षमा नहीं करेगी। जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आपका इस प्रकार उत्तेजित और विचलित होना आपको शोभा नहीं देता। दुष्ट छलिया, दैत्य जाति के साथ विद्रोह करने वाले दयासुर, तूने यहाँ आने की भूल कैसे की? दैत्य गुरु, जब मैंने आपको चिंतित और उत्तेजित देखा तो आपकी सहायता करने भागा भागा चला आया। मुझे तेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है दुष्ट। सच तो यह है कि महागणेश के नाम पर महोत्कट गणेश की बात मानकर मैंने भयानक भूल की है। वो भूल नहीं थी दैत्य गुरु, दैत्य जाति की रक्षा का उपाय था। यदि आप उस समय महोत्कट श्री गणेश की बात ना मानकर अपने आराध्य भगवान शिव के पास जाते तो आपको शिवकोप और शिवदंड भोगना पड़ता। असंभव। सृष्टि के पहले दिन से ही दैत्य जाति पर कृपा करने वाले भगवान शिव कभी भी अपने भक्त शुक्राचार्य को दंडित नहीं कर सकते। जय जय श्री मां गणेश। इतना अभिमान न करे दैत्य गुरु, श्री मां गणेश की कृपा से मेरी बात सत्य का प्रमाण है। तुम्हारा अस्तित्व ही असत्य का प्रतीक है। दैत्य जाति में जन्म लेकर भी तुम दुष्ट देवताओं के समान शुभ शक्तियों की चाटुकारिता करते हो। जय जय श्री मां गणेश। शुभ शक्तियों की चाटुकारिता और उनकी सेवा का अवसर किसी किसी के भाग्य में होता है दैत्य गुरु। मुझे उत्तेजित करने की भूल ना कर मूर्ख। क्रोध का त्याग करे दैत्य गुरु और दैत्यों के उत्थान के लिए शिव कृपा पर विश्वास रखें। शिव कृपा पर तो मुझे पूरा विश्वास है। तो महोत्कट श्री गणेश की बात मानकर उचित अवसर की प्रतीक्षा में स्वयं को प्रचंड शिव भक्ति में लीन रखें। नहीं, महोत्कट के षड्यंत्र को ये भृगुपुत्र शुक्राचार्य भली भांति जान चुका है। अब तो दैत्य का उत्थान करने के लिए ये शुक्राचार्य एक क्षण की भी देर किए बिना पातालवासी दैत्य को प्रकट करेगा। ओम नमः शिवाय। पातालवासी दैत्य वीर प्रकट हो। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कल्याण हो। देख दयासुर, देख देख मेरी शिव भक्ति का सुफल। इन तीनों के प्रकट होने से महोत्कट का षड्यंत्र सिद्ध हो गया है। आप भयानक भूल कर रहे हैं दैत्य गुरु, इसका परिणाम आपके हित में ना होगा। इन दैत्य वीरों की शक्ति से दैत्य गुरु शुक्राचार्य हर परिणाम अपने हित में कर दिखाएंगे। देवांतक और नरांतक के चाचा धुम्राक्ष, ये दोनों तुम्हारे पुत्र जगन और धनु है ना? आपका अनुमान सही है दैत्य गुरु। मेरे ही समान इन दोनों के मन में अदिति पुत्र महोत्कट के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना कूट कूट कर भरी है। तुम्हारा प्रतिशोध अवश्य पूरा होगा वीरो। तुम्हें किसी भी साधना आराधना या तपस्या की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी शिव भक्ति की शक्ति से तुम तीनों को दिव्य शक्तियां प्रदान करता हूं। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु, हमें अपने चिर शत्रु महोत्कट को दंडित करने की आज्ञा दीजिए। चलो पुत्रों। ठहरो। महोत्कट को दंडित करने से पहले दैत्य जाति के कलंक इस दुष्ट दयासुर को मृत्यु दंड देकर अपने अभियान का प्रारंभ करो। इस दुष्ट के कारण ही आज दैत्य जाति का भविष्य पराजय के अंधकार में घिर गया है। इसे मारकर ही तुम अपना प्रतिशोध
पूरा कर पाओगे। ये बात है तो हम इसे अभी मारकर बिना अग्नि पर पकाए इसका भोजन करते हैं। शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो, इन दुष्टों को दंडित करें। शीघ्र प्रकट हो बहुत कर श्री गणेश, शीघ्र प्रकट हो बहुत कर। हे मोहक शिगणेश, शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो। मायासुर, अब तो जीवित नहीं बचेगा। तुम तीनों की मृत्यु ही तुम्हें पृथ्वी लोक पर खींच लाई है। असंभव। मेरे आराध्य भगवान शिव कभी भी मुझ पर कृपा करने में विलंब नहीं करेंगे। देखते क्या हो दैत्य वीरो, यही है वो महोत्कट जिसने देवांतक और नरांतक की हत्या की थी। गणेशाय नमः।
मानने के लिए मैं गणेश जी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करूंगी, लेकिन माँ की बात सच्ची नहीं होती। उन्होंने तो कहा था कि नई माँ मुझे बहुत प्यार करेगी, पर वो तो मेरी ओर देखना भी नहीं चाहती। तुमने मुझे झूठ क्यों कहा माँ? तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने बापू को ब्याह के लिए मनाया था। मंदा बेटी तुम गणेश जी की पूजा करना, रोज उन्हें प्रसाद चढ़ाना, उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। गणेश जी बहुत दयालु है बेटी, वे तुम पर दया अवश्य करेंगे। गणेश जी भी मुझसे चिढ़े हुए हैं, अपनी मूर्ति बनाने ही नहीं देते। यदि उनकी मूर्ति नहीं बनेगी तो मैं उनकी पूजा कैसे करूंगी, प्रसाद कैसे चढ़ाऊंगी? जय जय शिवा गणेश, जय जय शिवा गणेश। परम देव श्री मां गणेश ने मुझसे कहा कि भक्ति का सुख दूसरों की कल्याण भावना में ही है। मुझे इस कन्या का दुख दूर करना चाहिए। जय जय शिवा गणेश। बेटी तुम रो क्यों रही हो? बेटी क्या हम तुम्हारी कोई सहायता कर सकते हैं? कौन है आप, मेरी सहायता क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम भी तुम्हारे समान गणेश भक्त हैं बेटी, और भक्तों की सहायता करके ही भक्ति का सुख पाया जा सकता है, इसलिए हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। जय जय शिवा गणेश। साधु महाराज, मेरी माँ ने कहा था कि गणेश जी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन उनकी पूजा करना, प्रसाद चढ़ाना। फिर इसमें रोने की क्या बात है बेटी? गणेश जी की मूर्ति मुझसे बनी नहीं रही है, बार बार बिगड़ रही है। जब मूर्ति नहीं बनेगी तो मैं पूजा कैसे करूंगी, प्रसाद कैसे चढ़ाऊंगी? जय जय शिवा गणेश। ओम गं गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। बेटी तुम भी हमारे साथ इस मंत्र का जाप करो। इससे क्या होगा साधु महाराज? ये गणेश जी का सिद्ध मंत्र है, इस मंत्र को सुनकर गणेश भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, फिर उनकी प्रसन्नता हर संकट का अंत कर देती है। तुम्हारी मूर्ति भी बन जाएगी और उस मूर्ति में गणेश महाराज स्वयं विराजमान भी हो जाएंगे। जय जय श्री मां गणेश। सच? बेटी गणेश भक्त कभी झूठ नहीं बोलते। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपते नमः। जय जय श्री मां गणेश। ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। बेटी जाओ उस पात्र में थोड़ा जल भर ला। अभी लाए साधु महाराज। जय जय शिवा गणेश। बेटी रंग तो प्रकृति की देन है, देखो ना इस संसार में कितने रंग हैं। इन्हीं रंगों से मैंने गणेश महाराज की मूर्ति को सजा दिया। कितने सुंदर लग रहे हैं गणेश महाराज, अब मैं प्रतिदिन इनकी पूजा करूंगी। तुमने अपना नाम नहीं बताया बेटी। आपने मेरा नाम पूछा ही नहीं तो मैं कैसे बताती। मंदा नाम है मेरा। आहा, बड़ा ही प्यारा नाम है। अब एक काम करो मंदा बेटी, ये मूर्ति अपने घर ले जाओ और भक्ति भाव से पूजा करके प्रसाद चढ़ाओ। गणेश महाराज
तुम पर अवश्य ही कृपा करेंगे। जय जय श्री मां गणेश। आपने सत्य कहा था परमदेव श्री मां गणेश, दूसरों की सेवा और सहायता करने में जो परम सुख है वो और किसी में नहीं, किसी में नहीं। आपकी जय हो, आपकी जय हो परमदेव श्री मां गणेश, आपकी जय हो। तो साफ साफ क्यों नहीं कहते आप कि आप मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर लाए हो? कान खोलकर सुन लो जी, मुझे दूसरों की सेवा से अधिक अपने सुख से प्यार है। इस घर का सारा काम भी कर लूं, तुम्हारी बेटी को भी पालूं, ये सब मुझसे नहीं होगा। यदि मुझे पता होता कि तुम्हारा स्वभाव इतना कठोर है तो मैं तुमसे कभी ब्याह नहीं करता। ब्याह तो मैं भी नहीं करती तुमसे, यदि मुझे ये मालूम होता कि ब्याह के बाद मुझे तुम्हारी बेटी की सेवा करनी पड़ेगी। अपनी बेटी की सेवा तो हर माँ बाप को करनी होती है। देखिए जी, अपने बेटा बेटी को तो सभी लोग पाल लेते हैं, किंतु दूसरों के बच्चों की नौकरी बजानी पड़ती है। समझ में आया आपको? रेवा तो मर गयी और अपना बोझ छोड़ के मेरे सर के ऊपर। हाय हाय, मैं तो उस बोझ को नहीं पाल सकती। मुंह संभाल कर बात करो धनो, विश्वास नहीं होता कि तुम मुखिया काका की बेटी हो। गांव वाले उनका इतना आदर करते हैं और तुम? इस आदर से उनको मिला क्या? सारे गांव के लोग उनको मूर्ख समझते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं, किंतु मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ कि तुम्हारे स्वार्थ के लिए अपना जीवन बर्बाद कर लूं। तुम जैसी दुष्ट, झगड़ालू और मुंह चोर लड़की को मेरे पल्ले बांध कर मुखिया काका ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। देखिए जी, आप मेरे पिताजी को दोष न दें। अन्याय तो मेरे साथ हुआ है, किंतु मैं इस अन्याय को सहन नहीं करूंगी। इसी समय अपने पिताजी के घर चली जाऊंगी। बापू, नहीं माँ, बापू, नहीं माँ, बापू, ये देखो बापू, एक साधु महाराज ने मुझे गणेश जी की मूर्ति बना कर दी है। कितनी सुंदर मूर्ति है ना नहीं माँ? अब मैं अपनी माँ की बात मानकर गणेश महाराज की पूजा करूंगी। नहीं माँ, आप मेरे गणेश महाराज के भोग के लिए थोड़े से मोदक बना दो। बापू, मैं गणेश महाराज की पूजा करने जा रही हूँ। सुन लीजिएगा, तूने क्या मुझे अपने बाप की नौकरा नहीं समझा हुआ है, जो मैं तेरे लिए जाकर मोदक बना ले आऊं? पहले जाकर घर का काम कर, फिर गणेश जी की पूजा कर लेना। बढ़िया ही गणेश जी की पूजा करने वाली हूं। माता, माता, भोलेनाथ कैलाश पर आपका स्मरण कर रहे हैं। माता, विनायक व्रत का यज्ञ करवाने के लिए बाल ऋषि सनक कैलाश पधार चुके हैं।
क्षमा करें स्वामी, माता पार्वती ध्यान में इतनी खोई हुई है कि आपका संदेश सुनाने में मैं असफल रहा। विनायक व्रत का संकल्प किया, परंतु तुम श्री महागणेश की इच्छा के नाम पर कब तक इस तरह कठोर बने रहोगे? तुमने सोचा होगा कि तुम्हारे दूर जाने से तुम्हारी माता का पुत्र प्रेम कम हो जाएगा, वो तुम्हें भूल जाने का प्रयास करेगी, तुम्हारी स्मृतियां उससे दूर चली जाएंगी, परंतु यह तुम्हारा भ्रम था पुत्र। तुम्हारे दूर जाने से तुम्हारी माता की ममता और बढ़ गई। सोमनाथ ठुकरा देता है। माँ की याद में रोते रोते सो गई मंदा को स्वप्न में माँ श्री गणेश पूजा का मार्ग दिखाती है। मंदा सौतेली माँ धन्नो का व्यवहार देखकर दुखी हो जाती है। दैत्य गुरु द्वारा प्रकट असुरों से महोत्कट दयासुर की रक्षा करते हैं। साधु बने दयासुर से श्री गणेश मूर्ति पाकर मंदा प्रसन्न हो जाती है। देवी पार्वती अदृश्य गौरी पुत्र की स्मृतियों में खोई आंसू बहाती हुई कहती हैं, आ जाओ पुत्र, अब अपनी माता से आग मिचौले का खेल और अधिक ना खेलो, शीघ्र मेरे समीप आकर मेरे हृदय से लग जाओ। तुम्हारी माता तुम्हें अपने हृदय से लगाने के लिए तड़प रही है। अब अपनी माता को और न सताओ पुत्र, और न सताओ। देवी पार्वती, इस प्रकार दुख और पुत्र वियोग में आंसू बहाकर अपने व्रत को व्यर्थ ना करो। प्रणाम स्वामी। गौरी, व्रत का संकल्प करने वाले को संयमित और संतुलित रहना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा गौरी पुत्र तुमसे अधिक समय तक दूर रहे? क्षमा करें स्वामी, मुझे आपके उपदेश की नहीं गौरी पुत्र की आवश्यकता है। उसे अपने हृदय से लगाए बिना मेरा दुख शांत नहीं होगा। विनायक व्रत का संकल्प हमने गौरी पुत्र को पाने के लिए ही तो किया था। देवी, संकल्प का निर्धारित समय पूरा होने पर भी गौरी पुत्र तो मुझे नहीं मिले। देवी, संकल्प के पीछे केवल गौरी पुत्र को पाने की कामना ही नहीं थी, किसी और कामना से मैंने संकल्प नहीं किया था स्वामी। क्यों, संसार के सामने व्रत और अनुष्ठान का आदर्श रखने की कामना क्या तुम्हारे भीतर नहीं थी? मार्गदर्शन करने के लिए ही हमने निष्ठापूर्वक विनायक व्रत का 4 माह तक पालन किया है। ये सच है स्वामी, इस व्रत के कारण ही शक्ति स्वरूपा होकर भी मैंने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, अन्यथा मैं गौरी पुत्र को एक क्षण के लिए भी अपने से दूर नहीं होने देती। अपना रोष शांत करें देवी, जिस संकल्प को तुमने सफल किया है उसका अनुष्ठान और उसका उद्यापन पूर्ण होते ही तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी और तुम्हारे गौरी पुत्र को तुम्हारे पास आना ही होगा। चलो, हमारे पुरोहित बाल ऋषि सनक हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गौरीपुत्र श्री गणेश और मोहतकर श्री गणेश, जय जय श्री मां गणेश। पहले तो ये अदृश्य रहे किंतु अब श्री मां गणेश की कृपा से दृश्यमान हो गए हैं। अपनी भक्ति को दृढ़ करने के लिए इनके दर्शनों का पुण्य लाभ करो दयासुर। जय जय श्री मां गणेश।
जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश। आप दोनों के एक साथ पावन दर्शन पाने वाले मुझ दयासुर से अधिक भाग्यशाली इस संसार में भला और कौन होगा। जय जय श्री मां गणेश। आप धन्य है परमदेव श्री मां गणेश, जो आपकी कृपा से मुझे आपके दो दो अवतारों के एक साथ दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए। जय जय श्री मां गणेश, 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 जय जय श्री मां गणेश। परम देव श्री मां गणेश की कृपा और मेरे सौभाग्य पर आप दोनों क्रोधित ना हो। जय जय श्री मां गणेश, आप दोनों के दर्शन करके मुझे जो आनंद और पुण्य मिला है उसके लिए जय जय श्री मां गणेश। आप दोनों का भयानक से भयानक दंड भी ये अज्ञानी दयासुर हंसते हंसते स्वीकार कर लेगा। भक्ति की चरम सीमा पर पहुँचे भक्त को दंडित करने का विचार करके कोई भी पाप का भागी नहीं बनना चाहेगा। दयासुर, अपनी महागणेश भक्ति के कारण अब तुम संसार के हर शाप, पाप, दोष और दंड से मुक्त हो। दयासुर। जय जय श्री महागणेश। हे गौरीपुत्र श्री गणेश, हे महाकर श्री गणेश, मैं जो कुछ भी हूँ आप दोनों की कृपा से ही हूँ, परंतु आज मेरे मन में एक नहीं अनेक प्रश्न जन्म ले रहे हैं। मन में उठे प्रश्नों को मन में छुपाए रखना अनुचित है। पूछो दयासुर, तुम्हें क्या पूछना है? पहले आप दोनों मुझे ये बताएं कि आप दोनों तो स्वयं सारे संसार के आराध्य हैं, अग्र पूज्य हैं, श्री महागणेश के अवतार हैं, फिर आप दोनों को तपस्या की क्या आवश्यकता पड़ गई? आपकी तपस्या का उद्देश्य क्या है? गौरी पुत्र, आप मुझसे बड़े हैं, बुद्धि और सिद्धि के दाता हैं। आप ही भक्त राज दयासुर के प्रश्न का उत्तर दें। तपस्या तो तुम भी कर रहे थे ना महत्कर्ण? तपस्या तो मैं अवश्य कर रहा था गौरी पुत्र, परंतु आपकी देखा देखी, जब मैंने आपको तपस्या करते देखा तो मैं स्वयं को रोक न सका। अमर वरदानी भक्त दयासुर, हम ये तपस्या संसार को इस बात का ज्ञान करवाने के लिए कर रहे थे कि आराधना और तपस्या सुख शांति और मनोकामना पूरी करने का सर्वोत्तम उपाय है। संसार की आराध्य ही आराधकों के समान। जय जय श्री मागने। हमारे संदेश का यही रहस्य है दयासुर, आराध्य को भी आराधकों के समान अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तुम्हारे मन में ये बात भी जन्म ले रही होगी कि हमें कौन सा दुख है, हमारा कौन सा निर्धारित कर्तव्य है, हमें कौन सी मनोकामना पूरी करनी है। हाँ महोत्कर्ष श्री गणेश, मैं यही प्रश्न पूछना चाहता था। परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से मैं यह तपस्या अपनी माता पार्वती के मन की शांति के लिए कर रहा था। जय जय श्री महागणेश, अपनी माता पार्वती के मन की शांति के लिए? हाँ दयासुर, मुझे पुनः प्राप्त करने के लिए मेरे माता पिता ने विनायक व्रत का संकल्प किया, किंतु मैं जानता था इस व्रत को करते हुए भी माता का मन मेरे लिए व्याकुल रहेगा, इसी कारण उनके मन की शांति के लिए। धन्य है आप प्रभु, और धन्य है आपकी माता के प्रति आपका प्रेम। और महाकर श्री गणेश, आप मेरी तपस्या का भी यही उद्देश्य था दयासुर। मेरी परम देव श्री महागणेश से यही प्रार्थना है कि संसार की कोई भी माता अपनी संतान के लिए दुखी ना हो, और इस संसार का हर पुत्र अपने माता पिता की सुख शांति के लिए प्रार्थना करे। जय जय श्री महागणेश, आप दोनों की जय हो। आप दोनों ने संसार के सामने तपस्या और आराधना का एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। आप तो जानते ही होंगे गौरीपुत्र श्री गणेश कि बाल ऋषि सनक विनायक व्रत का उद्यापन कराने कैलाश पहुंच चुके हैं। जय जय श्री मां गणेश। विनायक व्रत की महान सफलता को प्रमाणित करने के लिए मुझे शीघ्र कैलाश पहुंचना होगा। मोहतकट, तुम्हें भी परम देव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करते हुए
तुरंत माता अदिति के आश्रम पहुंचना चाहिए। तुम किस सोच में पड़ गए दयासुर? कुछ नहीं प्रभु, बस ऐसे ही। मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ दयासुर, तुम्हारे मन में विनायक व्रत अनुष्ठान देखने की कामना है। कामना तो है गौरीपुत्र श्री गणेश, परंतु अपना किंतु परंतु तुम मुझे सौंप दो और शीघ्र कैलाश की ओर प्रस्थान करो। नहीं नहीं, मैं स्वयं को कैलाश जाने के योग्य नहीं समझता। परंतु हम तुम्हारी भक्ति को कैलाश के योग्य समझते हैं। अपने मन के संकोच का त्याग करो और मेरे साथ कैलाश के लिए प्रस्थान करो। परंतु मैं स्वयं तुम्हें कैलाश आने का निमंत्रण दे रहा हूँ दयासुर, मुझे विश्वास है कि तुम मेरे निमंत्रण को अवश्य स्वीकार करोगे। जो आज्ञा गौरीपुत्र श्री गणेश, जो आज्ञा। अब तो तुम्हें कैलाश के लिए प्रस्थान करना ही होगा दयासुर। जय जय श्री गणेश। विनायक व्रत अनुष्ठान की अंतिम आहुति का दान करके उद्यापन संपन्न करता हूँ। इस आहुति के साथ आप समस्त हवन सामग्री की अग्नि में आहुति दें। ओम विघ्नहर्ता विनायकाय नमः स्वाहा। सांब सदाशिव की जय। महादेव शिव शंकर, माँ देवी पार्वती, आप दोनों ने विनायक व्रत का निर्णय और अनुष्ठान करके इस संसार के सामने इस व्रत का श्रेष्ठ आदर्श प्रस्तुत किया है। आज के पश्चात संसार का जो भी व्यक्ति परमदेव श्री महागणेश की भक्ति के साथ इस विनायक व्रत का संकल्प और अनुष्ठान करेगा, उसके समस्त दैनिक भौतिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाएंगे, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। अग्रपूज विनायक की कृपा सदैव उस पर बनी रहेगी। परम देव श्री महागणेश और अग्र पूजा के अधिकारी विनायक की जय। महादेव, देवी पार्वती ने पूर्व काल में पुण्य व्रत का अनुष्ठान करके श्री गणेश का पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। आज उसी शुभ अवसर की स्मृति जागृत हो रही है। स्वामी, हमारा पुत्र गणेश अब तक प्रकट क्यों नहीं हुआ? माता, गौरी पुत्र श्री गणेश तो अंतिम आहुति के साथ ही कैलाश पधार चुके हैं। व्रत की पूर्ण आहुति के साथ ही आपके वियोग की अवधि समाप्त हुई। अब तो परमदेव श्री महागणेश की महाकृपा का समय आ गया है। पधारे गौरी पुत्र श्री गणेश, दर्शन देकर हम सबको धन्य करें। बाल ऋषि सनक और ऋषि मुनियों के चरणों में गौरी पुत्र का प्रणाम। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। तुम्हारे प्रिय गणेश, आज
तुम्हें पाकर मुझे वैसी ही अनुभूति हो रही है जैसे पहली बार पाने पर हुई थी। आप महान हैं परमदेव श्री महागणेश, महान हैं। माता, मेरे यहाँ ना रहने पर आपको जो कष्ट पहुँचा उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। आपने विनायक व्रत करके संसार की हर माता को जो प्रेरणा और आदर्श का मार्ग दिखाया है उसके लिए मैं गर्व का अनुभव करता हूँ। आपकी जय हो जगदम्बा, आपकी जय हो माता। माता पार्वती और श्री गणेश की जय। माता पार्वती और श्री गणेश की जय। विष्णु महेश, माता पार्वती और गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। भगवान विष्णु के अवतार और विनायक व्रत के पुरोहित बाल ऋषि सनक, आपने माता पिता की ओर से मैं आपको विनायक व्रत के सफल समापन के लिए धन्यवाद देता हूँ। गौरी पुत्र श्री गणेश, मैंने जो भी किया परमदेव श्री महागणेश की प्रेरणा से किया है, हम सभी को उनका धन्यवाद करना होगा। हाँ बाल ऋषि सनक, यह परम देव श्री महागणेश की परम पावन लीला थी, परंतु उन्हें धन्यवाद तभी दिया जा सकता है जब आपको विनायक व्रत के सफल अनुष्ठान की दक्षिणा दी जाएगी। दक्षिणा? दक्षिणा की क्या आवश्यकता है गौरी पुत्र? आवश्यकता है बाल ऋषि, दक्षिणा के बिना कोई भी यज्ञ अनुष्ठान पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। तुम सत्य कह रहे हो पुत्र, शास्त्रों में बताया गया है कि यज्ञ और दक्षिणा एक दूसरे से अभिन्न है। यदि यज्ञकर्ता को यजमान की दक्षिणा ना मिले तो यज्ञ का फल पूरा नहीं होता। यदि पुरोहित ही दक्षिणा ना लेना चाहता हो तो भी उसे दक्षिणा दी जाती है, ये शास्त्रों का विधान है बाल ऋषि। शास्त्र विधान का सम्मान करते हुए आप बताएं आपको कैसी दक्षिणा चाहिए। यदि शास्त्रों में विधान है तो उसका सम्मान करना ही होगा, परंतु परंतु कहते कहते आप रुक क्यों गए बाल ऋषि सनक? आप अपनी दक्षिणा निसंकोच मांगे, ये आपका अधिकार है। क्या मेरी इच्छित दक्षिणा आप दे सकेंगे? अवश्य बाल ऋषि सनक, आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। हमारे लिए तो दक्षिणा का महत्व भी वरदान के समान ही है। शिव वचन पर विश्वास रखें, आप अपनी इच्छा प्रकट करें। तो मुझे दक्षिणा में महादेव शिव शंकर चाहिए। नहीं बाल ऋषि सनक, नहीं, शास्त्र और विधान के नाम पर असंभव दक्षिणा मांगने का अधिकार आपको नहीं है। हम कैलाशपति भगवान शिव को कैलाश और स्वयं से अलग नहीं कर सकते। आप संसार का समस्त वैभव दुर्लभ से दुर्लभ वरदान मांग सकते हैं, परंतु हमारे प्राणों के समान भगवान शिव शंकर को नहीं। क्षमा करें माता, मैं दक्षिणा चाहता ही नहीं था, किंतु जिन शास्त्रों का आदर करते हुए मैंने दक्षिणा मांगी है उन्हीं शास्त्रों में ये भी लिखा है कि दक्षिणा केवल एक ही बार मांगी जाती है। यदि आप सब महादेव शिव के रूप में मेरी दक्षिणा नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं बिना दक्षिणा कैलाश से लौट जाता हूँ। आपके अनुष्ठान का उद्देश्य पूरा हुआ, गौरी पुत्र श्री गणेश कैलाश लौट आए, अब मुझे आज्ञा दे। नहीं बाल ऋषि सनक, नहीं, बिना इच्छित दक्षिणा के आप कैलाश से नहीं जा सकते। जब मेरी इच्छा पूर्ति असंभव है गौरी पुत्र, तो कैलाश से निराश होकर लौट जाना ही उचित है।
आपकी इच्छा पूर्ति अवश्य होगी बालऋषि सनक। माता, यज्ञकर्ता की इच्छित दक्षिणा से आपको नहीं मोड़ सकती। यह व्रत और यज्ञकर्ता के साथ ही यजमान का भी अपमान होगा। पिताश्री, हमारे यज्ञकर्ता और बालऋषि सनक चाहते हैं कि आप पर उनका एकाधिकार रहे। दक्षिणा की मांग यज्ञकर्ता का निर्धारित अधिकार है और दक्षिणा का दान व्रतकर्ता की अनिवार्य परंपरा है। इस समय व्रतकर्ता हमारे साथ देवी पार्वती भी है। हम तो स्वयं दक्षिणा के पात्र बनकर इस अनिवार्य परंपरा से दूर हो चुके हैं। अब दक्षिणा का अंतिम निर्णय तुम्हारी माता को ही करना होगा। मेरी बात सुनो माता, मुझ पर विश्वास रखो। परीक्षा की इस घड़ी में अपने अंतिम निर्णय का अधिकार मुझे सौंप दो। मैं आप सबको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब इस धर्म संकट से तुम ही हमें निकाल सकते हो पुत्र। हमें तुम्हारे बुद्धि विवेक पर पूरा विश्वास है। सब कोई सुने, मैं विनायक व्रत अनुष्ठान की दक्षिणा का अंतिम निर्णय गौरी पुत्र गणेश को सौंपती हूँ। अपनी इच्छा दक्षिणा प्राप्त करना आपका अधिकार है बालऋषि सनक। इस समय से मेरे पिताश्री भगवान शिव शंकर पर आपका एक अधिकार निश्चित हुआ। तो हम महादेव शिव को ले जा सकते हैं? अवश्य बालऋषि, जब पिताश्री पर आपका अधिकार है तो आप अवश्य ले जा सकते हैं। परंतु कहीं भी ले जाने से पहले आपको हमारा एक निवेदन भी स्वीकार करना होगा। निवेदन नहीं गौरी पुत्र, आदेश। हम आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। ये आपका वचन है? अवश्य गौरी पुत्र। तो शिव शंकर आपके हुए, इन पर केवल और केवल आपका अधिकार घोषित हुआ। और आपका निवेदन? उसे कहने का अवसर अब आया है। कैलाशपति भगवान शिव कैलाश से अभिन्न है, वे कैलाश को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। इसी कारण अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए आपको सदा सदा कैलाश में निवास करना होगा। धन्य है गौरीपुत्र श्री गणेश, आप धन्य है। धन्य है गौरीपुत्र श्री गणेश, धन्य है गौरीपुत्र श्री गणेश की। धन्य है आप गौरीपुत्र श्री गणेश, धन्य है आपकी बुद्धि, धन्य है आपका न्याय। दक्षिणा के रूप में मेरी परीक्षा समाप्त हुई। जिस प्रकार दक्षिणा शास्त्रों में विधान है, उसी प्रकार हम बाल ऋषियों के लिए विधाता का विधान है कि हम कभी भी एक स्थान पर नहीं रह सकते। जय जय श्री महागणेश। तो क्या आप विधाता के विधान का सम्मान करेंगे बाल ऋषि? सम्मान न करके हम पाप के भागी नहीं बनना चाहते भक्तराज दयासुर। वैसे भी भगवान शिव केवल हमारे नहीं सारे संसार के हैं, उन पर किसी एक का अधिकार हो ही नहीं सकता। गौरी पुत्र श्री गणेश, आपकी बुद्धि और चतुराई ने सबको संतुष्ट किया। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि धर्म का आदर करने के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का प्रसन्नता पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। और ये भी महादेव की स्थूल जीवन में मोह केवल और केवल परमात्मा से करना चाहिए। परमात्मा ही जीवन नौका को पार कराने का एकमात्र माध्यम है। प्राणी की त्याग भावना से प्रसन्न होकर परमात्मा उसकी हर इच्छा को सफल कर देते हैं। अब हमें आज्ञा दे महादेव। परम देव श्री महागणेश, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश की जय। जयकार से कैलाश लोक गूंज उठा। विनायक व्रत के सफल होने से माता पार्वती को गौरी पुत्र पुनः मिले। उधर सुख मिलने की आशा में श्री गणेश की भक्ति करने वाली मंदा अभी भी अपनी सौतेली माँ के कारण दुखी और निराश है। होता नहीं है, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या?
मेरी माँ को कुछ ना कहो नईमा, मैं सारा काम कर लूंगी। कब कर लेगी री तू? अभी कर लूंगी नईमा। देख री, तूने अपने बापू के आने से पहले सारा काम खत्म नहीं किया ना, तो मैं मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी, समझी तू? तू अपने बापू को क्या दिखाना चाहती है कि मैं तुझसे इतना सारा काम करवाती हूँ? नहीं 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 माँ, ये बात नहीं है। देख री, मैं सब जानती हूँ तुझे, सब जानती हूँ। अब बातें बनाना बंद कर और ये काम खत्म कर, काम खत्म कर जल्दी। सुनिए, मैं जब से इस घर में दुल्हन बनकर आई हूँ, मैंने हमेशा आपको अपनी बेटी मंदा के बारे में ही सोचते हुए देखा है। आपने मेरी ओर तो कभी भी प्यार से नहीं देखा। धनो, तुम उस छोटी सी बच्ची मंदा से घर का सारा काम करवाती हो, इस बात का बहुत दुख है मुझे। तुम भी घर का काम किया करो, उस बिन माँ की बच्ची पर दया करो। मैं उसकी सौतेली माँ हूँ ना, इसीलिए आप मुझे इतनी खरी खोटी सुना रहे हो। मैं सच कहता हूँ धनु, उस बेचारी पर मुझे बहुत दया आती है। खेलने कूदने की उम्र में तुमने इतना काम डाल दिया उस पर। देखिए जी, आप मेरी भावना को तो समझते ही नहीं है। बेटी आखिर पराया धन होती है, एक ने एक दिन उसे ब्याह कर ससुराल जाना ही होगा। घर का काम काज नहीं करेगी तो ससुराल में आदर कैसे पाएगी? देखो, हर सौतेली माँ बैरी नहीं होती है। मैं तो मंदा के सुख के लिए ही उससे घर का काम काज करवाती हूँ। देखो, आपने मेरी ओर तो कभी भी प्यार भरी दृष्टि से नहीं देखा। देखो ना, आज मैंने आपके लिए विशेष सा श्रृंगार किया है। देखो ना, ये साड़ी कैसी लगती है मुझ पर? मेरी माता जी ने भेजी है, मुझे तो बहुत पसंद है। तुमने मंदा के लिए खाना नहीं बनाया? अब मैं क्या करूं जी, मैंने तो उसके लिए सारा खाना बना कर रख छोड़ा था। जो आपने खाना खाया वही मैंने उसके लिए भी रखा था। अब मैं क्या बताऊं, उस लड़की का ध्यान कहां कहां रहता है। मुझे तो लगता है उसका खाना कुत्ते बिल्ली चट कर गए होंगे। अब आप ही बताइए, मैं कहां कहां पहरा देती रहूं। तुमने उसे अपने साथ खाना क्यों नहीं खिलाया? अपने साथ कैसे खिला लेती जी, आप तो अपनी बेटी को अच्छी तरह जानते हैं। पहले वो गणेश जी को पूछती है। तो क्या अब वो सारी रात भूखी रहेगी? मैं देखता हूँ। सुनिए जी, आप अपनी मंदों को जितनी भोली समझते हैं ना,
उतनी भोली वो है नहीं। उसे बहुत पता है, अच्छी तरह पता है कि खाने की कौन सी वस्तु कहाँ रखी है। अब हर रोज अपने गणेश जी के लिए प्रसाद तो वही बनाती है ना। देखो जी, वो भूखी सोने वाली नहीं है। आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, अपना खाना खुद बनाकर खा लेगी वो। नहीं माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो माँ। कभी भूखा नहीं देख सकते। सोने देते, जानती हो माँ, उन्होंने मुझे मीठे मीठे मोदक बना कर दिए थे, मैंने जी भर के मोदक खाए। माँ, ऐसे स्वादिष्ट मोदक मैंने कभी खाए ही नहीं है। गणपति महाराज की कृपा पर विश्वास रखो बेटी, वे तुम्हें कभी दुखी नहीं होने देंगे। माँ, मुझे नई माँ का बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो मुझसे सारा घर का काम कराती है, मुझे मारती भी है, कुछ खाने को भी नहीं देती। वो मुझे नहीं अच्छी लगती माँ। अपनी माँ की बुराई करना अच्छी बात नहीं है बेटी, तुम उन्हें सदा प्रसन्न रखने का प्रयास करो। तुम्हारा प्रयास सफल होगा तो तुम्हें उनका प्यार भी मिलेगा। और हाँ, गणपति महाराज की पूजा करना कभी न भूलना। ओम गण गणपते नमः, ओम श्री महागणेशाय नमः। भक्तराज महाशय, आपकी भक्ति की चर्चा से सारा पृथ्वीलोक उत्साहित है। आपके दर्शन पाकर मुझे भी विश्वास हो गया है कि मुझे भी अपनी भक्ति में सफलता प्राप्त होगी। ऋषि वर कश्यप, आपके आश्रम के पुण्य प्रताप से हम भली भांति परिचित हैं। ये वही स्थान है जहाँ पहली बार मुझे श्री गणेश की कृपा प्राप्त हुई थी। इस स्थान पर किया गया भक्ति का प्रयास कभी भी असफल नहीं हो सकता। जय जय श्री माँ गणेश। परंतु हमारा प्रयास तो देव माता देवी अतिथि, आप दोनों का प्रयास सफल हुआ। अपनी इस सफलता के लिए मेरी बधाई स्वीकार करें। आप किस सफलता की बात कर रहे हैं भक्तराज दयासुर? मुझे स्वयं भगवान शिव ने कहा था कि परम देव श्री महागणेश की आराधना के फल से मेरा पुत्र महोत्कट मेरे पास लौट आएगा। परंतु
जय जय श्री महागणेश। देवी अदिति, महोत्कर्ष श्री गणेश ने मुझसे स्वयं कहा था कि वे शीघ्र ही अपने माता और पिता की सेवा में पहुंच जाएंगे। वे अपने वचन के पक्के हैं। अब तो मुझे उसके वचन पर भी विश्वास नहीं रहा। नहीं देवी माता अदिति, नहीं, महोत्कर्ष श्री गणेश पर संदेह करना अनुचित है। तनिक कुटिया के भीतर जाकर तो देखें, महोत्कर्ष श्री गणेश कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये अनुचित है भक्तराज दयासु, आपने मुझे माता के साथ आप में चोली का खेल खेलने का तो अवसर ही नहीं दिया। महोत्कर्ष जय जय श्री महागणेश। पुत्र महोत्कर्ष जय जय श्री महागणेश। मंदा बन। इस अवसर को हाथ से न जाने दे धन्नो। ये लड़की श्री गणेश जी की पूजा में पागल हो गई है। यदि इसके गणेश जी की मूर्ति छुपा दी जाए तो पूजा किसकी करेगी। यही है कारण अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है कर्ता यही है कारण सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।